तुमने ये नहीं पूछा मैं तुम्हें देखकर क्यों चला जाता था? पिछले 3 दिन से मैं यही पूछ रही थी। मेरी तन्हाई और मेरी बदनामी, मुझे अपने किए पर कोई दुख नहीं है। दुनिया वाले जो भी कहे, मगर मैंने कोई पाप नहीं किया, वो एक पाप को रोकने की कोशिश थी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मेजर साहब और आज आप लोग के लिए मैं एक नया शूटिंग लोकेशन लेके आ गया हूँ। दोस्तों 1991 में एक फिल्म आई थी दोस्तों लव, जिसमें स्टार कास्ट थे सलमान खान, अमजद खान और रेवती हीरोइन जो थी, और इसमें और भी कई कलाकार थे दोस्तों। उसका कुछ सीन दोस्तों यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पे वो सीन रिकॉर्ड किया गया था दोस्तों जब सलमान खान जब वो हीरोइन से मिलती है, रेवती नाम रहते हैं इसमें और फिल्म में, तो शायद मैगी नाम है। जब पहली बार वो लोग डेट पे आते दोस्तों, तो यहाँ पे आते फिर सलमान खान अपनी जो भी अपनी आप बीती होती रहती है वो बताता है दोस्तों। तो ये सारा सीन यहीं पे लिया गया गेट ऑफ इंडिया पे, आगे पीछे करके। तो मैं आपको स्क्रीन शॉट के साथ सब जितने भी सीन है सब मिला करके आप लोग को दिखाऊंगा। अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, बेल आइकन भी दबा दो दोस्तों, थैंक यू। दोस्तों लव मूवी का एक सीन यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया था दोस्तों, जो सलमान खान और रेवती हीरोइन रहती है वो इस हिसाब से चलकर आते हैं दोस्तों। आप स्क्रीन शॉट से मैच कर सकते हैं दोस्तों। फिल्म आई थी 1991 में, अभी मैं 2022 में दिखा रहा हूँ दोस्तों। कम से कम 32 साल हो गया दोस्तों, 32 साल बाद आपको मैं सेम लोकेशन दिखा रहा हूँ दोस्तों। आप स्क्रीन शॉट से मैच कर सकते हैं दोस्तों, कुछ इस हिसाब से भी सीन रहता है दोस्तों, आप स्क्रीन शॉट से मैच कर सकते हैं। उसके बाद एक सीन बिल्कुल ऐसा जूम करके रहता है दोस्तों, इस हिसाब से रहता है एक सीन दोस्तों, इस हिसाब से रिकॉर्ड किया गया। आपको बैकग्राउंड पे गेट दिख जाएगा और हीरोइन और हीरो जो चलते आ रहे हैं वो दिख जाएगा दोस्तों, आप स्क्रीन शॉट से मैच कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद कुछ सीन दोस्तों इधर से रिकॉर्ड किया गया है, इस हिसाब से जो हीरोइन रहती है और सलमान खान रहता है, हीरोइन के तरफ से जो फेस डायलॉग रहता है वो जब बोलती रहती है कि कब तक ऐसे जीते रहोगे और कब तक ऐसे लोगों से भागते रहोगे, तो बैकग्राउंड में आपको ये ताज होटल दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, किसी में ऐड भी दिखाई दे रहा होगा। ये भी ताज होटल है, ये भी ताज होटल है दोस्तों, आप स्क्रीन शॉट से मैच कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया, उसके बाद कुछ सीन दोस्तों यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया, मैं आपको आगे चल के भी दिखाता हूँ। ये सुबह का टाइम है दोस्तों, इतनी पब्लिक घूमने के लिए आई है, यहाँ पे रोज का यही है और संडे को तो कुछ ज़्यादा ही रहता है, आज तो मैं संडे भी नहीं है आए ना। ये ताज होटल है दोस्तों और ये समंदर भी देख सकते हैं। दोस्तों एक सीन में ऐसा रहता है जो सलमान खान और रेवती जो रहती है वो इस हिसाब से चल करके जाते हैं दोस्तों, कुछ इस हिसाब से आप लोग को सीन दिखाई दे रहा होगा। ये दीवार दिखाई दे रहा होगा, पीछे आपको होटल भी दिखाई दे रहा होगा, उस साइड पे जो आप लोग को कुछ बिल्डिंग है दोस्तों वो भी दिखाई दे रहा होगा। आप स्क्रीन शॉट से मैच कर सकते हैं दोस्तों, इस हिसाब से चलते हुए आते हैं। बिल्कुल इसी अंदाज से चल करके आते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद ना यहाँ पे एक खंभा है दोस्तों, इस खंभे के पास खड़े होकर के वो लोग बात करते हैं। बहुत खूबसूरत सीन रहता है दोस्तों, कुछ इस हिसाब से वो सीन रहता है। ये आपको नीचे दीवार भी दिखाई दे रहा होगा और पीछे होटल और जो कुछ ये बंगलो टाइप का उधर है वो भी दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। उसके बाद ये वाला जो आपको दिख रहा है दोस्तों, इसके पास पब्लिक ज़्यादा खाली हो तो मैं जगह दिखाता हूँ दोस्तों। एक सीन इस हिसाब से रिकॉर्ड किया गया है दोस्तों, सलमान खान और रेवती जो हीरोइन रहती है यहाँ पे खड़े होकर बात करते रहते हैं दोस्तों, जो भी उन लोग का डायलॉग चलते रहता है। और आपको बैकग्राउंड में ये जो दीवार दिख रहा होगा ना पानी का, वो भी दिखाई दे रहा होगा और आपको ये बंगलो दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा आपको ये होटल का कोना दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। अभी जो ये खंभा दिख रहा है लाइट का, ये खंभा उस टाइम नहीं था दोस्तों, 32 साल पहले, बाद में उसको एडजस्ट किया गया, यहाँ पे लगाया गया। लेकिन ये जब बनाया था ना दोस्तों, जो बड़े बड़े नाव और जहाज जो आते थे ना शिप, उसको होल्ड करने के लिए खंभा बनाया गया था। अभी तो खैर बड़ी जहाज नहीं आ रही यहाँ पे, बड़ी शिप नहीं आ रही, तो यहाँ पे वो सीन रिकॉर्ड किया गया दोस्तों। आप स्क्रीन शॉट से मैच कर सकते हैं दोस्तों, आज से 32 साल पहले ये जो था, अभी जब तो ये बनाया गया कम से कम 100 साल पार हो गया, 100 साल पहले जब बनाया गया था तब भी वो बनाया गया था और अभी भी है दोस्तों, और 32 साल पहले भी ये सीन आपको यहाँ पे दिखाया गया था दोस्तों। आप स्क्रीन शॉट से मैच कर सकते हैं दोस्तों। कुछ सीन इधर से लिया गया, मैं ये भी दिखाता हूँ आप लोग को।
एक सीन दोस्तों इस हिसाब से लिया जाता है जब सलमान खान बिल्कुल वो हीरोइन पे रेवती पे चिल्ला देते हैं दोस्तों, तो आपको बैकग्राउंड पे होटल का जो गुंबद बनाया वो दिखाया जाता है दोस्तों, आप स्क्रीन शॉट से मैच कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ सीन यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है, इस हिसाब से आप स्क्रीन शॉट से मैच कर सकते हैं दोस्तों। इस हिसाब से आपको ये दीवार दिखाई दे रहा होगा, इधर से सलमान खान और जो हीरोइन रहती है वो उनके साथ चलते हुए आते हैं दोस्तों। पीछे आपको ये गेट दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद चलते हुए कुछ इस हिसाब से वो सीन रहता है दोस्तों। ये जो पब्लिक है, आपको ये जो अभी ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा होगा ना दोस्तों बिजली का, ये पहले नहीं था दोस्तों, आज से 32 साल पहले। और ये जो आपको ये खंभा छोटा सा ये दिखाई दे रहा ना गोल सा, ये अभी थोड़ा सा ऊपर से छोटा कर दिया गया दोस्तों। यहाँ ऊपर कुछ और डिजाइन था, अभी ये हटा दिया गया, खाली ये नीचे से मतलब बचाया गया दोस्तों। आप स्क्रीन शॉट से मैच कर सकते हैं दोस्तों, इस हिसाब से वो सीन रिकॉर्ड किया गया है जो सलमान खान हीरोइन के साथ दोस्तों यहाँ से ऐसे चलते हुए आते हैं। और बैकग्राउंड पे आपको ये गेट ऑफ इंडिया दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, गेटवे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। उसके बाद कुछ सीन दोस्तों उस हिसाब से रिकॉर्ड किया गया था, मैं आपको ज़्यादा नज़दीक तो जा नहीं पाऊँगा, इस हिसाब से रिकॉर्ड किया गया दोस्तों। ये जो आपको लाल छतरी दिखाई दे रही ना दोस्तों, ये लाल छतरी दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे चलते हुए आते हैं। और जो थोड़ा सा दीवार दिखता है और पीछे आपको ये गेट भी दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, तो वो सीन इस हिसाब से रिकॉर्ड किया गया है दोस्तों। और बाकी सीन जो फिर गेट के पास रिकॉर्ड किया गया, जब सीन पूरा ख़त्म हो जाता है दोस्तों, आप स्क्रीन शॉट से मैच कर सकते हैं दोस्तों। 32 साल पहले जो सीन यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया, मैं अभी 2022 में वो सीन दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे वो सीन रिकॉर्ड किया गया और कुछ सीन आगे भी रिकॉर्ड किया गया दोस्तों, आप लोग को मैं वो भी दिखाऊंगा। आप ये सुबह का नज़ारा देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे ये गेट ऑफ इंडिया के सामने है और ये ताज होटल के ही सामने है। ये जो आपको लाइन बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, तो मैं आप लोग को वो भी सीन दिखा देता हूँ आगे का जो दोस्तों लास्ट वाला सीन दोस्तों इस हिसाब से लिया गया, जो सलमान खान जो भी हीरोइन से बात करने के बाद गुस्सा हो जाते हैं और अपने कंधे पे जैकेट डाल करके वो इधर से आते हैं दोस्तों। आप स्क्रीन शॉट से मैच कर सकते हैं दोस्तों, यहीं पे वो सीन रिकॉर्ड किया गया था गेटवे ऑफ इंडिया पे दोस्तों, के ये जो भी बाउंड्री है इसके अंदर दोस्तों। तो बताइए दोस्तों आप लोग को कैसा लगा लव मूवी का शूटिंग लोकेशन, जो कि 32-33 साल बाद मैं दिखाया हूँ दोस्तों। अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन भी दबा दीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।